दर्शन वगैरह हो गए हैं एंड अब हम वापस चल रहे हैं भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और गाइज, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि भाई हमने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए थे एंड अब भाई हम नीचे उतरने की प्लानिंग में हैं। हमारे इस यात्रा के भाई एक बात और रही, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं गिरी। हम सोच के आए थे भाई इस टाइम में तो स्नोफॉल गिरनी चालू हो जाती होगी केदारनाथ में, पर हमारे टाइम पे स्नोफॉल नहीं गिरी। पर भाई जी भी अच्छा हुआ भाई, चक्का भी ज़्यादा ठंड हो जाती फिर तो भाई बिल्कुल ही ऐसा हो जाता मामला। ठीक भी हुआ और थोड़ा थोड़ा गलती भी हुआ यार, स्नोफॉल तो दिखनी थी। एंड अब भाई गौरीकुंड के लिए नीचे उतरेंगे, थोड़ी देर रुक रुक के और खाना वगैरह खा के, खाना नहीं खाया तो खाना खाएंगे सबसे पहले बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना। एंड ये देखो व्यू यार यहाँ पे देखने के लिए। आओ अभी ट्रैकिंग करने का भी यहाँ पर 16 किलोमीटर तो कह नहीं कहा गाइज, मेरे ख्याल से 20-21 किलोमीटर आराम से पाएगा। और आओ तो गाइज अपने पैरों पर आना, कभी खच्चर वगैरह करो। हाँ अगर आपको हेलीकॉप्टर करना है तो वो बात अलग है, पर खच्चर वगैरह के भरोसे मत आना गाइज। जो मैंने यहाँ बहुत सारे देखे हैं भाई, जवान जवान आदमी खच्चर पान लग रहे हैं। सबके अपने मेंटेलिटी है, मेरी मेंटेलिटी ये है कि भाई क्यों कष्ट पहुँचाया किसी को। सो भाई जो यहाँ का हेलीपैड है, थोड़ी देर आगे हेलीपैड भी है यहाँ पे। ओह और धूप निकलाई भाई, जो सदा बड़ी आवाज होगी धूप निकलाई, ठंड थोड़ी थोड़ी कम हुई है। अरे देख लिया भाई, थोड़ा मजा भाई, गात मजा नहीं भाई है सवेरे की भाई जान धूप देख कर। भाई नीचे उतर आए हैं और भाई उस साइड तो अपना कैंप, तो कैंप ते रवाना हो गए सब कुछ ओपी मामला करके। एंड अब हम जाएंगे भाई नीचे, सीधा जाएंगे भाई गौरीकुंड, थोड़ी थोड़ी देर रुक के। और भाई कल आप चढ़े थे जैसा कि आपने पता है, आज दर्शन हो गए, नीचे उतर के सीधा गौरीकुंड भाई, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट प्लान देखेंगे। कुछ प्लान होगा तो ठीक है, वरना भाई सीधा हरिद्वार या कुछ जैसे प्लान होंगे आपको बता दिया जाएंगे। तो भाई हमने कुछ सब कुछ सेट वेट करके मामला, और भाई दीवार में खाने लग रहे पहाड़ वाली मैगी, और हमने चाय वगैरह पी थी। मैंने तो पी नहीं भाई चाय, मेरे को अच्छी नहीं लगती चाय, देखो जो बात है वो बात है। एंड नोरतन नमकीन ली थी, बिस्कुट लिए थे, अरे एक दो चीज और चीज मामला है। और उसके बाद गाइस हम पेट भर का भी खाना खाएंगे भैया, हमने पेट भर के खाना खाया नहीं है, तो सबसे पहले हम पेट भर के खाना खाऊंगे। नीचे उतरते उतरते नीचे यहाँ से उतरना है, अब तो गाइस आसान होगा और गौरीकुंड तक पहुँचना है, और तो कुछ नहीं है। गौरीकुंड तक पहुँचने का भी भाई किलोमीटर बता देता हूँ आपको, 13.5 किलोमीटर थे पिछले पीछे बोर्ड पे देखा था हमने ऑफिशियल बोर्ड पे, तो 13.5 किलोमीटर है, मतलब 2.5 किलोमीटर हम उतर आए थे जोश जोश में। तो अभी पैरों की कंडीशन तो भाई बिल्कुल ओके है, हाँ सोने की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। सो हम भाई दो दिन से 2.5 घंटे रहे हैं और ज़्यादा सो नहीं रहे, तो हम सोच रहे हैं बस एक बार गौरीकुंड पहुँच जाएँ तो अपना बढ़िया सा सोएंगे, तो मतलब कम से कम भी 8-9 घंटे जब नींद काट देंगे बढ़िया। तो ये हमारा प्लान है और देखते हैं प्लान में क्या चेंजेस आएंगे और क्या नहीं आएंगे। और विमान बात बात का मैं सारी मैगी खा गया है, तो मैं जल्दी से चट कर देता हूँ मैगी भाई। जैसा कि आपने बताई थी कि 2.5 किलोमीटर तक उतर लिए हैं, 13.5 किलोमीटर रहता है, तो 13.5 किलोमीटर खाना खुना खा के और चालू करती है। एक बार और लंच लेंगे, हैवी डाइट लेंगे, जो तुमने थोड़ा चटमट खाया था। और यो देख लो हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या कहते हैं शॉर्टकट, यो लॉन्ग कट तो भाई वो है, और शॉर्टकट बिल्कुल यो है, बिल्कुल सीधा जा है और वहाँ बैठ जाओगे, तो हमें इतना घूम के क्यों जाऊँ, ये मेरा सवाल था। तो चलो चलते हैं आज शॉर्टकट देखते हैं, आराम आराम से चलना पड़ेगा, कभी पट जाऊँ। ओहो अपने आप ही लेकर जा है आराम। अरे भाई 9:36 हो रही है अभी, तो देखते हैं कितने समय पहुंचा जावे है। हमारी चढ़ाई तो 8 घंटे में हुई थी, अरे यो देखा है उतराई कितने घंटे में हो गए, 12 बजे थी। यो दिमाग किसी किसी बात कराए भाई पागल वाली। ओह आ जाओ आ जाओ, एक मिनट रुको गाइस, आराम आराम से चल लूँ मैं, पड़ जाऊँगा ना तो। सो गाइस जो रोहित ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि भाई इसने एक वीडियो बनवानी है, आ जा रोहित तेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। मन मानने का मुंह लागे गाइस, बड़ी खतरनाक ट्रैकिंग है भैया। क्या ट्रैकिंग है? बड़ी खतरनाक। खतरनाक तो है, देखो गाइस नीचे देखो, आड़े तो जाना है, शॉर्टकट लिया, शॉर्टकट तो खतरनाक पाया है। अगर और आराम आराम से चलते हैं, क्यों
उड़ो जाने का पा उस वाले पे है। सही है, फायदा था। चलो देखते हैं कुछ सिस्टम ले दो उसमें, तो उतर ले तेरी सीना ले। गाइस इतने तोड़े तोड़े सीना लग रहे, क्या बताऊं ये मजा आने लग रहा है। उतर के आना गाइस, कभी कुछ आगा नहीं लग रहा, आराम से उतरने लग रहा है। ये देखो, अरे भाई थोड़ी थोड़ी वो ठंडी कम हो गई ना, तो मजा आने लग गया ना। तो ऊपर तो भाई ऐसी ऐसी होगी, तो लोग भी डंग जाना बटे था। तगाजे दे दे मार रहे हैं नीचे। वाओ अमेजिंग सीन्स, गोरी कुंड 13 किलोमीटर है। ये देख लो 0.5 किलोमीटर चल रहे हैं, इतने कभी आराम आराम से चलना लग गया। थोड़ी स्टूडी खींचनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा लाइट ले लिया हमने मामले को, तो इसलिए। सो गाइस काफ़ी नीचे आ गए हैं, अरे देख लो गाइस व्यू। अरे ओ भाई बर्फ वाला पहाड़ अभी तक दिखने लग रहा है, एक टाइम बाद गायब हो जाएगा भाई जो। और ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह सब चलाने लग रहे हैं, मैं रोज अकेला दोनों कट्ठे कट्ठे चलने लग रहे हैं भाई, ना कोई आगे ना कोई पाछे। और पैर की कंडीशन हो, पैर की कंडीशन बहुत बुरी है, क्यों ना रेस्ट नहीं लिया भाई, इस मारे बुरी है। अगर रेस्ट ले लेते तो इतनी बुरी ना होती। और देखो शॉर्टकट मार कान लग रहे हैं लोग, जो वैसे असली रहा है जो शॉर्टकट वाला रहा है, तो यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट भी हैं। और ये तो रूप तो है ही, तो आप जब भी आओ तो शॉर्टकट लेना प्रेफर करना। चढ़ाई में तो मैं मना करूँगा, उतराई में तो ज़्यादा शॉर्टकट लेना। चढ़ाई के शॉर्टकट जो हैं वो काफ़ी मुश्किल भी हैं, एक आधे आसान है बस। धूप निकल रही है तगड़ी, मस्त मजा आ रहा है। मैंने टोपा भी उतार दिया है अपना, टोपा पहन रहा था, ग्लव्स भी, एक हाथ में ग्लव्स है जिस टाइम लोग शूट करने ला रहे हो, क्योंकि उसका हवा लगती रहना, क्योंकि और टाइम बाहर निकला रहता है हमारे। गाइस काफ़ी नीचे पहुँच चुके हैं, पर अभी भी आधा रास्ता नहीं हुआ है। एंड्रॉइड दीवानों पर है भाई, मैंने शॉर्टकट ले लिया था, उन्होंने शॉर्टकट मिस कर दिया, इसलिए आने लग रहा है वो। मैंने फ़ोन करा था उसके पास, थोड़े थोड़े नेटवर्क है भाई यहाँ पर, फ़ोन के नेट नहीं चल रहा है यहाँ पर, इसलिए आपको ब्लॉग आने में इतनी देरी होगी इसके पास, इसलिए आपके पास। अरे देख लो भाई कैसे चल रहे हैं लोग, हाफते हुए गिरते पड़ते पूछ रहे भाई। पर जब ये मंदिर दिख जाना भाई, तो सारी थकान दूर, एनर्जी इतनी तगड़ी आ जा, क्या बताऊँ आपके। वैसे ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर ज़्यादा रहा है, जब हम थे ना उस टाइम पे -6 था, देख लिया अब -6 टेम्परेचर कितना हो जाए। बहुत तरीक है, अरे मैं दुकान के दूर बैठा हूँ किसी की, उन्होंने जरा किसकी है बस, उधर ही दिमाग वेट कर ला भाई, कब वो आए, कब हम थोड़ी देर बैठे तो फिर कब हम चले। पानी कितनी बढ़िया तरह फ्लो करने लगा रहा है, बिल्कुल सफ़ेद पानी है, आगे तक जा रही है, मस्त है। आराम चल रहे शॉर्टकट से, दीवान भाई मारता आगे पहुंच गया एकदम, कब तक हम आगे थे, ये दीवान मारता आगे पहुंच गया एकदम। यो सीन हो रहा है भाई ट्रैक का, रियो शॉर्टकट लिया है, दीवान यहीं कहीं बैठा पाओ, वो कहता मैं शॉर्टकट के बाद बैठा हूँ, चलो ढूंढते हैं उसको। सो गाइस ये देख लो भाई कैसे कैसे शॉर्टकट लेने पड़ रहे हैं, वो दिमाग आगे जा लिया। ओह भाई साहब, ये तो आधा रास्ता कम्प्लीट हुआ है। अरे भाई थक गए, जेन्युइनली बोल रहा हूँ थक गए भाई, उतरना उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ना भाई। इस वाली में हमने वैष्णो देवी चढ़ाई करी थी, उसमें उतरना बहुत आसान था, बहुत आसान, पर इसमें जितना चढ़ना मुश्किल है उतना उतरना भाई, बस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मान सकें बस, और कुछ नहीं है भाई। ट्रैकिंग भाई इतनी तगड़ी कर दी, इतने शॉर्टकट ले दिए, फिर भी कुछ किलोमीटर फर्क नहीं पड़ा भाई। अरे गाइस मेरा फोन अरे पड़ गया सही दीमान के हाथ पे, रुकना से मरते वो तो सही होया, स्क्रीन ना गई, गार्ड पर लग लग करेगी। पहला तो हमने सोचा स्क्रीन गई, फिर हमने गार्ड तार के देखा, स्क्रीन बच रही है, दोबारा तो गार्ड लगवाना पड़ेगा एक और,
भाई साहब बहुत मुश्किल भाई, काफी कठिन रास्ता। ये देख लो गाइस, अभी भाई गोरीकुंड पहुंचने में 6 किलोमीटर बाकी है और ये ब्रिज आया 6-6.5 लगभग इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। पीछे बोर्ड पटा था तो 6.5 लिखा हुआ था, मतलब अब 6 ही रह गया हुआ। एंड ये देख लो पानी का बहाव बहुत तेज हो रहा है और हम जा रहे हैं यहाँ से। ये भाई फोटो खिंचवा लग रहे हैं। सो गाइस लास्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है नीचे उतरने का। और गाइस मैं तो मेरे ख्याल मेन बात बताना भूल गया, पता नहीं मैंने बताई या नहीं बताई है, मेरे ध्यान नहीं। पर भाई यहाँ पे खाने का खर्चा तो मैं बताना भूल ही गया था। तो भाई खाने के जो भी ये आइटम्स होते हैं ना, जैसे नमकीन वगैरह और ये आपके जूस वगैरह, तो ये सारे मिलते हैं डबल रेट पे। जैसे 5 की चीज़ है 10 की, 25 की चीज़ है 50 की। और गाइस इनकी चाय वगैरह तो सब सस्ती मिलती है, पर और खाने का खाना जैसे रोटी वगैरह ये सब सस्ती मिलती है। तो दोस्तों लास्ट 1 किलोमीटर लेफ्ट और वह पैरों की हालत बहुत गंदी हो चुकी है। ओहो चप 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 कर रहे हैं गाइस। और गाइस मैं खाने की बता रहा था, यहाँ पे भाई फ्रूट भी बहुत महंगा मिलता है। अगर चीज़ अगर आपको डबल मिलती है तो फ्रूट आपको ट्रिपल मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको 2 केले चाहिए तो 40-50 रुपये के मिलेंगे, ये चीज़ है यहाँ पर। और गाइस एक और बात बताऊँ, हमने भाई ये ट्रैक केदारनाथ का 24 घंटे से भी पहले पूरा कर लिया है, मतलब हो जाएगा। अभी तो हमारे पास 40 मिनट है और 40 मिनट में 1 किलोमीटर खींचना कोई बड़ी बात नहीं, 15 मिनट में खींच देंगे। एंड ये हमने एक उपलब्धि प्राप्त किया कि 24 घंटे में भाई केदारनाथ का ट्रैक पूरा कर दिया। ऊपर भी चढ़े, दर्शन भी करे, घूमे भी, सोए भी और भाई वापस भी आए। दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी हेलीकॉप्टर एंड दिस गोडाज एंड ऑल्सो वाइज विदाउट दिस डंडाज जो ले रहे हैं लोग, बिना डंडे के देख लो। थक रहे हैं गाइस, रेस्ट करते हैं 5 मिनट। गाइस बैग वगैरह उठा लिया है और इस मज़ेदार नज़ारे को हम बाय बाय बोलने जा रहे हैं। एंड बस थोड़ा सा दूर रह गया, मतलब हमने वो चढ़ाई तो पूरी कर ली है। ये जो लास्ट में हम जाते हैं ना बस लेने के लिए सोनप्रयाग की, हम सोनप्रयाग जा रहे हैं गाइस। तो सोनप्रयाग की बस ले रहे हैं और कुछ नहीं, और 4 बजे से पहले पूरी हो गई हमारी यात्रा, मतलब हमने एक दिन से ही पहले कर दी अपनी यात्रा कम्प्लीट। सो गाइस हमने अपनी यात्रा पूरी करके 4 बजे से पहले यात्रा पूरी हो गई थी। सो हम भाई यहाँ पे सोनप्रयाग आ गए हैं, पर ये सोनप्रयाग नहीं है, ये है भाई सीतापुर और वो है सीतापुर का नीचे बस स्टैंड। दिखाता हूँ, बहुत बड़ा बस स्टैंड है, हरियाणा के 4-5 बस स्टैंड समा जाएंगे, इतना बड़ा बस स्टैंड है भाई सीतापुर का। तो हम भाई जाते व्लॉग इसलिए नहीं बना पाए, हमने कमरा वगैरह ले लिया वैसे कि भाई हम जाते सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे, तो 4 घंटे सो गए। ये बढ़िया खाना खुना खा गए, ये यहाँ पर एक बार बस की ट्राई मारना आए थे, हमें कल एक जगह जाना है वो आपको रिवील करूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो उसके लिए हम यहाँ बस पूछने आए थे, हमारा काम अभी आधा बना आधा नहीं बना, तो सवेरे पूरा बन जाए या पूरा डूब जाएगा, ऐसी सिचुएशन है। सो अब तो हम वापस जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ सीतापुर से। ये लगा लो 800-700 मीटर है दूर सीतापुर से सोनप्रयाग। तो हम ऐसे पैदल आ गए थे चलते चलते टहलते चलते, खाना भी खाया था तो हजम भी हो जाएगा, ऐसी बात हो गई। और ये देखो नीचे पूरा बड़ा बस स्टैंड है, आपको दिख नहीं रहा, अगर हो सका तो सवेरे दिखाऊंगा, या वरना सोनप्रयाग से बस पकड़ लें, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है मामला। तो ये सिचुएशन है यहाँ की। एंड चल रहे हैं वापस रूम की तरफ, आपको फिर रूम दिखाता हूँ। रूम कुछ खास नहीं है पर इतना भी बुरा भी नहीं है, क्योंकि हमें सोने के लिए भाई जल्दी से स्पेस चाहिए था तो जल्दी से बुक करा, 800 रुपया भाई कमरा बुक हुआ हमारा। तो ये सिचुएशन है, ये देख लो भाई बिल्कुल मेन रोड पे लिया हमने अपना होटल, और ये सैनिक होटल एंड रेस्टोरेंट है। इसके नीचे रेस्टोरेंट भी भाई, इसको खाना भी बढ़िया था, हमने दाल मखनी और बटर रोटी वगैरह ये खाई थी, क्योंकि कई दिन तक हम ऐसे कुछ खा रहे थे तो आज यहाँ भी खाना लिया हमने, और घूमाए तो खाना डाइजेस्ट भी हो गया होगा अब तक तो। एंड यहाँ पे सही रूम है काफ़ी, और हमने ये रूम लिया अपना छोटा सा स्मॉल सा, बिल्कुल साफ, मज़ा आ गया ये रूम लेते। एंड कुछ नहीं अब भाई वापस लेटेंगे, थोड़ी पैकिंग वगैरह करके सही से, और फिर आते हैं कल बैक टू व्लॉग। सो ये व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।